दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक इंसान एक साल में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शन ए पर है 50 लाख बार, ऑप्शन बी पर है 60 लाख बार, ऑप्शन सी पर है 80 लाख बार, ऑप्शन डी पर है 90 लाख बार। दोस्तों आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता हो तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 लाख बार। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान साल में लगभग 50 लाख बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार IAS की परीक्षा कब हुई थी? ऑप्शन ए पर है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी पर है 1850 ईस्वी में, ऑप्शन सी पर है 1955 ईस्वी में, ऑप्शन डी पर है 1960 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार IAS की परीक्षा 1950 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम कैद करके नहीं रख सकते? ऑप्शन ए पर है हवा, ऑप्शन बी पर है धुआं, ऑप्शन सी पर है परछाई, ऑप्शन डी पर है पानी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परछाई। जी हाँ दोस्तों, परछाई को हम कैद करके नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन है जिसके आने के बाद लोग हमें कहते हैं थूकने के लिए? ऑप्शन ए पर है परेशानी, ऑप्शन बी पर है गुस्सा, ऑप्शन सी पर है हंसी, ऑप्शन डी पर है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा आने के बाद लोग हमें कहते हैं थूकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है? ऑप्शन ए पर है केकड़ा, ऑप्शन बी पर है मछली, ऑप्शन सी पर है मगरमच्छ, ऑप्शन डी पर है मेंढक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेंढक। जी हाँ दोस्तों, मेंढक एक ऐसा जीव है जो पानी में तो रहता है लेकिन पानी नहीं पीता है, वह अपनी चमड़ी यानी स्किन के द्वारा ही पानी लेता है यानी एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खियों की कितनी प्रजातियाँ शहद बनाने का काम करती है? ऑप्शन ए पर है 4 प्रजातियाँ, ऑप्शन बी पर है 10 प्रजातियाँ, ऑप्शन सी पर है 20 प्रजातियाँ, ऑप्शन डी पर है 50 प्रजातियाँ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 प्रजातियाँ। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खियों की 20,000 प्रजातियाँ हैं जिसमें से केवल 4 प्रजातियाँ ही शहद बनाने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दीमकों के छत्ते की रानी हर रोज कितने अंडे देती है? ऑप्शन ए पर है 8 से 10 हज़ार, ऑप्शन बी पर है 10 से 15 हज़ार, ऑप्शन सी पर है 6 से 7 हज़ार, ऑप्शन डी पर है 5 से 6 हज़ार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 7 हज़ार। जी हाँ दोस्तों, एक दीमकों के छत्ते की रानी हर रोज 6 से 7 हज़ार अंडे देती है और ये 15 से 50 साल तक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव के कान नहीं होते हैं? ऑप्शन ए पर है मेंढक, ऑप्शन बी पर है सांप, ऑप्शन सी पर है चींटी, ऑप्शन डी पर है मधुमक्खी। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में व्हाट्सअप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मधुमक्खी। जी हाँ दोस्तों, मधुमक्खी के कान नहीं होते हैं, इसके कमी को उसके शक्तिशाली एंटीना स्पर्श से पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? ऑप्शन ए पर है धरती के 1 बार चक्कर लगाने इतना दूरी, ऑप्शन बी पर है धरती के 2 बार चक्कर लगाने इतना दूरी, ऑप्शन सी पर है धरती के 3 बार चक्कर लगाने इतना दूरी, ऑप्शन डी पर है धरती के 4 बार चक्कर लगाने इतना दूरी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धरती के 2 बार चक्कर लगाने इतना दूरी। जी हाँ दोस्तों, आधा किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों द्वारा तय की गई दूरी धरती के 2 बार चक्कर लगाने जितना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो तापमान ठंडा या गर्म होने पर अलग अलग तरह के आवाज़ें निकालता है? ऑप्शन ए पर है बिच्छू, ऑप्शन सी पर है टिड्डा, ऑप्शन सी पर है झिंगूर,
ऑप्शन डी पर है सांप। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झिंगूर। जी हाँ दोस्तों, झिंगूर तापमान ठंडा या गर्म होने पर अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। कुछ लोग इनकी आवाज़ें सुनकर तापमान के ठंड या गर्म होने का अंदाज़ा लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मच्छर के कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए पर है 50 दांत, ऑप्शन बी पर है 58 दांत, ऑप्शन सी पर है 60 दांत, ऑप्शन डी पर है 47 दांत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 47 दांत। जी हाँ दोस्तों, एक मच्छर के 47 दांत होते हैं, मगर वो आपको अपने डंक से ही काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर धरती पर मौजूद सभी कीड़ों को सारे मनुष्यों में बराबर बराबर बांटा जाए तो हर एक के हिस्से में कितने कीड़े आएंगे? ऑप्शन ए पर है 20 करोड़, ऑप्शन बी पर है 30 करोड़, ऑप्शन सी पर है 40 करोड़, ऑप्शन डी पर है 50 करोड़। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 करोड़। जी हाँ दोस्तों, सभी कीड़ों को सारे मनुष्यों में बराबर बराबर बांटा जाए तो हर एक के हिस्से में 20 करोड़ से ज़्यादा कीड़े आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है? ऑप्शन ए पर है 209 हड्डियाँ, ऑप्शन बी पर है 206 हड्डियाँ, ऑप्शन सी पर है 301 हड्डियाँ, ऑप्शन डी पर है 300 हड्डियाँ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 300 हड्डियाँ। जी हाँ दोस्तों, जन्म के समय मानव शरीर में 300 हड्डियाँ होते हैं। वयस्क होने तक यानी बड़ा होने तक शरीर में 209 हड्डियाँ रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर का कौन सा अंग 40 सालों तक बढ़ता रहता है? ऑप्शन ए पर है नाखून, ऑप्शन बी पर है आँख की पुतलियाँ, ऑप्शन सी पर है दिमाग, ऑप्शन डी पर है हृदय यानी दिल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिमाग। जी हाँ दोस्तों, हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है, इसके बाद यह सिकुड़ने लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।